हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट टू सेशन वन गेटिंग स्टार्टेड विद स्प्रेडशीट में आज हम देखेंगे फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो फ्रीज का मतलब क्या होता है कि कई बार ज़रूरत पड़ती है जब हम हमारे रोज एंड कॉलम्स स्प्रेडशीट के अंदर, वर्कशीट के अंदर अगर हम स्क्रॉल करते हैं राइट साइड में या डाउन साइड में, तो हमारे जो रोज एंड कॉलम्स है जो अप साइड के या लेफ्ट साइड्स के, आपके जो रो एंड कॉलम है वो आपके हाइड होते जाते हैं, मतलब आपको बिगिनिंग के दिखते नहीं है, व्यू नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कि हमें अगर जो बिगनिंग के कुछ पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स हमेशा व्यू होते रहे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उन रो एंड कॉलम को फ्रीज करके रखना पड़ता है, ताकि हम राइट साइड में कितना भी स्क्रॉल कर ले, कितना भी आगे की कॉलम तक चले जाए, तो हमें पिछले कॉलम दिखते रहे। ठीक उसी तरीके से बॉटम में हम रो को स्क्रॉल कर दे तो ऊपर वाली जो कुछ रो है, फिक्स रो जो हमें फ्रीज करके रखनी है, वो हमें दिखती रहे। ये होते हैं फ्रीजिंग, है ना। सो समटाइम्स सम रोज एंड कॉलम्स स्टोर सम इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और जो हमें ऑलवेज दिखती रहनी चाहिए, विच वॉन्ट टू व्यू ऑल द टाइम, जो हमेशा ऑलवेज दिखना ज़रूरी होता है, इवन इफ यू हैव मूव टू नेक्स्ट पेज ऑफ द वर्कशीट। फॉर दिस पर्पज यू कैन फ्रीज सच रोज एंड कॉलम्स, देन वेन स्क्रोलिंग अराउंड विद इन द शीट, एनी फ्रोजन कॉलम्स एंड रोज विल ऑलवेज रिमेन इन व्यू, जो आपको ऑलवेज व्यू होती रहे रोज एंड कॉलम्स, है ना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रीजिंग सिंगल रो और कॉलम की। तो सिंगल रो को कैसे फ्रीज करना है या सिंगल कॉलम को कैसे फ्रीज करना है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि सिंगल रो को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम के या रो के हेडर को हम सिलेक्ट करेंगे, है ना। क्लिक ऑन द हेडर फॉर द रो बिलो वेयर यू वांट टू फ्रीज, और द फॉर द कॉलम टू द लेफ्ट वेयर यू वांट टू द फ्रीज, मतलब जो कॉलम हमको जहाँ तक के फ्रीज करना है उसके लेफ्ट साइड के कॉलम में, उसके राइट साइड के कॉलम में हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके रो के बिलो के हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, है ना। क्लिक ऑन द हेडर, उस हेडर को हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन द हेडर फॉर द रो बिलो, रो के बिलो, और वेयर यू वांट टू वांट द फ्रीज, और फॉर द कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ वेयर यू वांट टू द फ्रीज, है ना। उसके बाद कमांड विंडो में जाएंगे हम, और विंडो में से फ्रीज कमांड यहाँ पे आपको दिख रही है, फ्रीज को हम सिलेक्ट करेंगे। तो जो अभी हमने सिलेक्ट किया था या रो हेडर या जो भी, वो आपका फ्रीज हो जाएगा। नाउ फ्रीजिंग रो एंड अ कॉलम, रो एंड फ्रीजिंग कॉलम कैसे करेंगे, क्लिक इनटू द सेल दैट इज इमिडिएटली बिलो द रोज यू वांट टू फ्रोजन, है ना, एंड क्लिक इमिडिएटली टू द राइट ऑफ द कॉलम यू वांट टू फ्रोजन, है ना। तो ऐसे हम राइट साइड के कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और रो के नीचे हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो ऊपर वाले जितने भी रो है वो आपकी फ्रीज हो जाएंगी, और लेफ्ट साइड के जितने भी कॉलम है वो आपके फ्रीज हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, विंडो में जाके फ्रीज करना है। द नेक्स्ट इज यू विल सी टू लाइन्स, यहाँ पे दो लाइन सिलेक्ट कर रखी थी, तो आपको देखेंगे वन एंड टू, टू लाइन्स यहाँ पे आपको दिख रही है, ये देखिए वन एंड टू लाइन आपकी फ्रीज हो गई है। सो अपीयर, आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर हो जाता है जहाँ तक के फ्रीज हो जाता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर हो जाता है, और वर्टिकल लाइन अपीयर होता है मतलब आपका कॉलम फ्रीज हुआ है। सो यू विल सी द लाइन्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द सेल्स एंड वर्टिकल लाइन टू द लेफ्ट ऑफ द सेल। नाउ एज यू स्क्रोल अराउंड द स्क्रीन एवरीथिंग अबो एंड टू द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन्स विल रिमेन इन व्यू, तो वो आपको हमेशा दिखते रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे अनफ्रीजिंग की। अब अनफ्रीजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सेम कमांड है आपको रो और कॉलम को अनफ्रीज करने के लिए, सीधे सीधे आप विंडो में जाइए और वहाँ से फ्रीज को सिलेक्ट कीजिए। टू अनफ्रीज रोज और कॉलम्स क्लिक द कमांड विंडोज फ्रीज अगेन, द चेक मार्क बाय फ्रीज वुड वैनिश एज इट इज टॉगल कमांड। अब टॉगल कमांड का मतलब क्या है कि उसी बटन से आपका ऑन भी होगा और उसी से ऑफ भी होगा, उसी बटन से आपका फ्रीज भी होगा और उसी से अनफ्रीजिंग भी होगा, बोथ फॉर द फ्रीजिंग एंड अनफ्रीजिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टॉगल कमांड। अब बात करेंगे स्प्लिटिंग द विंडो स्क्रीन।
अब जो स्क्रीन हमारी वर्कशीट है उसको स्प्लिट करना है ना, वर्कशीट को डिफरेंट पार्ट में या दो पार्ट में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना है ना। सो समटाइम्स यू वॉन्ट टू कंस्टेंट व्यू अ सेक्शन ऑफ द वर्कशीट, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू नेविगेट टू द अदर सेक्शन टू साइमल्टेनियसली हैव अ लुक एट द टू डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द वर्कशीट। तो एक वर्कशीट के दो अलग डिस्टिंक्ट पार्ट है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल बाई यूजिंग अ सिंपल नेविगेशन, तो सिंपल नेविगेशन से नहीं हो पाता है। फॉर दिस यू विल नीड टू स्प्लिट योर स्क्रीन सो दैट वन स्क्रीन इंडिपेंडेंटली शोज यू अ पार्ट ऑफ द वर्कशीट वाइल इन द अदर स्क्रीन यू कैन स्क्रोल टू फार अवे पार्ट ऑफ द वर्कशीट। तो आप उसको स्क्रोल भी कर सकते हैं। द स्क्रीन कैन बी स्प्लिट आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और बोथ वे। तो स्क्रीन को आप हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली या फिर दोनों तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं। दिस अलाउज यू टू हैव अप टू फोर पोर्शंस ऑफ द शीट इन द व्यू एट एनी वन टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ द स्प्लिटिंग द स्क्रीन हॉरिजॉन्टली। अब आपकी स्क्रीन को आपको हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना है या दो पार्ट में आपको वर्कशीट को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूव द माउस पॉइंटर इनटू द वर्टिकल स्क्रोल बार। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो आपका वर्टिकल स्क्रोल बार है, इस वर्टिकल स्क्रोल बार में आपको ये दिख रहा है ऊपर वाला ये छोटा सा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के ऊपर आपको माउस पॉइंटर को लेके जाना है। अब ये आपका माउस पॉइंटर जो है डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो गया है। से लुक एट दिस, दिस इज द डबल हेडेड एरो। ये डबल हेडेड एरो में जैसे आपका माउस पॉइंटर कन्वर्ट हो जाता है, आपको माउस बटन की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके नीचे ड्रैग करना है। यू नो व्हाट इज द ड्रैगिंग प्रोसेस, जस्ट क्लिक द माउस लेफ्ट बटन एंड मूव योर कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू प्लेस। ओके, तो जहां तक कि आपको मतलब हॉरिजॉन्टली आपको मूव स्प्लिट करना है वहां तक के आप लेके जाइए, ठीक है ना। सो पहला पॉइंट आपका यही है, मूव द माउस पॉइंटर इनटू द वर्टिकल स्क्रोल बार जस्ट अबोव द अपवर्ड मूवमेंट एरो ऑफ द वर्टिकल टूल बार वेयर यू वॉन्ट टू, ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तक के आपको लेके जाना है। वेयर यू वॉन्ट टू सी द थिक ब्लैक बार, फिर जहाँ तक के आपको दिखेगा आप माउस को मूव करना है। हियर यू योर माउस पॉइंटर विल चेंज द डबल हेडेड एरो ड्रैग एरो कर्सर। तो ये डबल हेडेड एरो में आपका माउस पॉइंटर जो है कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, नाउ होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस डाउनवर्ड। तो ये माउस बटन को ड्रैग करके, ये देखिए लेफ्ट बटन को क्लिक करके आपको माउस को ऐसे ड्रैग करना है उस पर्टिकुलर पोजीशन तक, द डाउनवर्ड बोला है। यू विल सी योर ब्लैक थिक लाइन विल फॉलो द मूवमेंट ऑफ द माउस। तो इस तरीके से ये ब्लैक थिक लाइन आपको दिखेगी, जहाँ तक के आपको चाहिए आप वहीं तक के ड्रैग कीजिए, है ना, और फिर माउस बटन को रिलीज कर दीजिए। देन रिलीज द माउस बटन एंड द स्क्रीन विल स्प्लिट इनटू टू व्यूज। अब ये जो आपकी वर्कशीट है ये दो व्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, दो व्यूज आ गए हैं इसके, इच विथ इट्स ओन वर्टिकल स्क्रोल बार। हर एक के आप देखेंगे साइड में हर एक का स्क्रोल बार अलग अलग है। इस ऊपर वाले व्यू पार्ट का, इसका भी आप क्या कहते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार आपको दिख रहा है, और नीचे वाले में भी देखिए यहाँ पे वर्टिकल स्क्रोल बार आपको दिख रहा है ना। सो नाउ यू कैन इंडिपेंडेंटली मूव टू एनी पार्ट ऑफ योर वर्कशीट। अब इस पार्ट को भी आप मूव कर सकते हैं और इस पार्ट को भी इंडिपेंडेंटली आप उसको मूव कर सकते हैं, है ना। इन द व्यू वाइल कीपिंग वन सेक्शन ऑफ द वर्कशीट फिक्स्ड इन टू द अदर स्प्लिट विंडो। इस तरीके से अब बात करेंगे स्प्लिटिंग द स्क्रीन वर्टिकली। अब वर्टिकली कैसे स्प्लिट करना है स्क्रीन को, तो वर्टिकली स्प्लिट करने के लिए जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करने के लिए हमने क्या किया था, वर्टिकल बार का यूज़ किया था। अब वैसे ही यहाँ पे वर्टिकली स्प्लिट करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल बार का यूज़ करना होगा, है ना। सो लेट्स गेट विद द फर्स्ट पॉइंट, मूव द माउस पॉइंटर इनटू द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार जस्ट नेक्स्ट टू द राइट मूवमेंट एरो ऑफ द हॉरिजॉन्टल टूल बार, है ना। ये देखिए लुक एट दिस, ये आपका यहाँ पे आपको ये आपका जो माउस पॉइंटर है डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको लेके माउस बटन को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है। ड्रैग कहाँ करना है, लेफ्ट साइड में लेके इधर साइड में, ये लेफ्ट साइड में आपको ड्रैग करना है। तो आपको ब्लैक थिक बार आपको दिखाई देगा, जहां तक आपको ड्रैग करना है आप कीजिए, आपको जहां तक स्प्लिट करना है ना। तो देखिए सो
just next to the right movement arrow of the horizontal toolbar, where you see the thick bar, black bar, where you mouse pointer will change to double ended drag arrow cursor, है ना, drag करना है फिर arrow cursor. Now hold down the left mouse button and drag the mouse leftward. अभी माउस बटन को क्लिक करके, लेफ्ट बटन को क्लिक करके आपको लेफ्टवर्ड आपको ड्रैग करना है. यू विल सी अ ब्लैक थिक लाइन विल फॉलो द मूवमेंट ऑफ द माउस. इस तरीके से ये थिक लाइन आपको दिखेगी. फिर उसके बाद क्या करना है, माउस बटन को रिलीज कर देना है. रिलीज द माउस बटन एंड द स्क्रीन विल स्प्लिट इनटू द टू वर्टिकल व्यूज, इच व्यू इट्स ओन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड इच व्यू इज शोविंग द सेम वर्कशीट. नाउ यू कैन इंडिपेंडेंटली मूव टू एनी पार्ट ऑफ योर वर्कशीट. तो इस तरीके से आप इस पार्ट को भी मूव कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टिकली, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल दो अलग अलग हॉरिजॉन्टल बार आपको दिख रहे हैं, है ना. तो इस वाले पार्ट को आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और इस वाले पार्ट को भी आप स्क्रोल कर सकते हैं. तो वो दो इंडिपेंडेंट पार्ट अलग हो गए हैं, है ना. मूव टू एनी पार्ट ऑफ अ वर्कशीट इन व्यू वाइल कीपिंग वन सेक्शन ऑफ द वर्कशीट फिक्स इन टू द अदर स्प्लिट विंडो. नाउ अभी हम बात करेंगे कि ये जो स्प्लिटिंग किया था हमने, इस स्प्लिटिंग को कैसे रिमूव करना है. तो स्प्लिटिंग को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तीन तरीके हैं, आप तीन तरीके से कर सकते हैं. डबल क्लिक ऑन ईच स्प्लिट लाइन, है ना, हर एक स्प्लिट लाइन पर डबल क्लिक करना है, या फिर क्लिक ऑन द ड्रैग स्प्लिट, ड्रैग स्प्लिट लाइन्स ब्लैक इन टू देयर प्लेसेस एट द एंड ऑफ द स्क्रोल बार. मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था स्क्रोल बार से, आपने जो वर्टिकल बार या हॉरिजॉन्टल बार आपने किया था, तो वहाँ तक के आपको ड्रैग करके लेके जाओ, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. या फिर आपको विंडो मेनू में जाके स्प्लिट बटन को क्लिक करना है. तो इस तरीके से जितने भी स्प्लिटिंग आपने लगाई है स्क्रीन के अंदर वो सभी हट जाएगी. दिस विल रिमूव ऑल द स्प्लिट लाइन्स एट द सेम टाइम. अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में. अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज क्या है, अब सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में आता है. लेकिन यहाँ पे आपको जो ओपन ऑफिस है उसके डॉक्यूमेंट अलग अलग होते हैं. जैसे कैल्क डॉक्यूमेंट बोला तो फिर ये वर्कशीट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, है ना. वैसे बेस डॉक्यूमेंट बोला तो ये आपका डाटाबेस हो गया. इम्प्रेस डॉक्यूमेंट बोला तो आपका प्रेजेंटेशन हो गया. तो ये अलग अलग कंसेप्ट है. तो द वर्ड डॉक्यूमेंट मे बी मिसलीडिंग फॉर द सम एट टाइम्स, बट यू शुड कीप वन थिंग इन माइंड दैट, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि राइटर डॉक्यूमेंट या आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है. राइटर डॉक्यूमेंट मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. कैल्क डॉक्यूमेंट इज अ स्प्रेडशीट वर्कबुक. कैल्क डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो होगा आपका स्प्रेडशीट वर्कबुक. ठीक उसी तरीके से बेस डॉक्यूमेंट मतलब क्या, डाटा बेस. बेस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा, डाटा बेस. और इम्प्रेस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा, प्रेजेंटेशन. इम्प्रेस डॉक्यूमेंट मीन्स प्रेजेंटेशन. सो हियर वी मीन से टूडे दैट हाउ टू व्यू एंड एडिट वर्कबुक प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे वर्कबुक की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है. टू व्यू एंड एक्सेस वर्कबुक प्रॉपर्टीज जस्ट यूज द कमांड विच, फाइल मेनू में जाके प्रॉपर्टीज को आपको सिलेक्ट करना है. इट विल ओपन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स वेयर फ्रॉम डिफरेंट टैब्स यू कैन एक्सेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज के डायलॉग बॉक्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देंगी. सी दिस इज द कमांड फाइल एंड प्रॉपर्टीज. इट विल ओपन द डायलॉग बॉक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनटाइटल. अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जनरल, डिस्क्रिप्शन, कस्टम प्रॉपर्टीज, इंटरनेट सिक्योरिटी, स्टैटिस्टिक्स. डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर देयर एंड यू विल लुक एट योर टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड्स, कमेंट्स ऑल्सो लुकिंग योर. उसके बाद में आप यहाँ पे रीसेट का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है और ओके का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है. इसी के साथ ही आपका सेशन भी कंप्लीट होता है. थैंक यू.